अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोगों ने एमएसपी सवाल शुरू किए थे एजुकेशन के। आज लेक्चर नंबर हमारा 16 है। आज हमने जो रह गए थे क्वेश्चन वो करने, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आज आपको करवाऊंगी। तो इसके लिए अपनी नोटबुक निकाल लें, अपनी बुक निकाल लें और आपके साथ इंक पेन निकाल लें, मार्जिन लाइन के लिए मार्कर निकालें। अपनी मार्कर से आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर जो है वो आपने इंक पेन से लिखना है। तो सारी चीज़ें बेटा अपनी रेडी करें और मेरे साथ ही लिखना शुरू कर दें। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और डेट एंड डे मेंशन करें। सवाल नंबर 5 है, जोड़ने के लिए जो ताल्लुक इस्तेमाल किया जाता है, इसकी हेडिंग में अज़ाए तरकीबी और मार्कर से हेडिंग देनी है और उसकी प्रेजेंटेशन आपने इस तरह बनानी है। आपके 4 हिस्सा मकासिब हिसाब तदरीसी मवाद हिसाब के क्या क्या है, मकासिब हिसाब तदरीसी मवाद तदरीसी हिकमत अमली दिया जाए तो बाकी अज़ा की फ़ाइदियत खत्म हो जाती है। फ़ाइदियत क्या होता है, उनका फायदा। तो बाकी अज़ा की फ़ाइदियत खत्म हो जाती है। होया के 4 अज़ा आपस में लाज़िम और मंज़ूर हैं। होया के ये चारों अज़ा आपस में लाज़िम और मंज़ूर हैं। नंबर 1 है मकासिब, मकासिब हिसाब। सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ जाता है, मकासिब हिसाब। हेडिंग बेटा आप लोगों ने मार्कर से देनी है, अच्छी प्रेजेंटेशन में आपने काम करना है ताकि आपको आदत होगी, प्रेजेंटेशन गुड होगी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में भी अक्सर आ चुका है। निसाब की बुनियाद ही मकासिब तालीम पर होती है। अब ये निसाब मकासिब निसाब क्या है कि निसाब की बुनियाद ही मकासिब तालीम पर होती है।
अगर निसाब कमेटी के सामने मकासिद का क्वेश्चन किया जाए तो इसके लिए दसवीं मवाद ना दिया जाए। नंबर टू पे क्या था? तदरीसी मवाद, तदरीसी मवाद। तदरीसी मवाद क्या चीज है? अब अगर वो कासिदे तालीम के मुताबिक बना लिया जाए, इसके तहत मकासिद तालीम के मुताबिक। क्या इंतखाब कर लिया जाए तो उसकी तदरीस और इसकी तदरीस ना हो तो मवाद फजूल होगा, यानी कि मटीरियल तैयार हो गया, किताबों की शक्ल में आ गया, लेकिन उसको आगे जो है पहुंचाया नहीं गया तो और उसकी तदरीस नहीं की गई। तदरीस होता है तो वो तारीख को आगे पहुंचाना। अगर ये अमल नहीं हुआ तो क्या होता है कि दरसी मवाद जो है वो फजूल होता है। और इसके इंतखाब के लिए जो मेहनत की गई वो जाया हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या था? तदरीसी तरीके। तदरीसी तरीके क्या है? मकासिद तालीम दसवीं मवाद पर मवाद और मुख्तलिफ तरीका है तदरीस भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जायजा नहीं लेते
हमने क्या किया है। और इसके नतीजे क्या हैं? किस तरह मुमकिन है इंसाफ, तदरीसी मवाद और तदरीसी तरीके। और उसके बाद जायजा तदरीसी में आ गया कि हमने क्या कुछ करनी है और उसकी सलाह कैसे करनी है। तो ये जायजा जब तक नहीं लेते हम कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह मालूम होता है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 जो है ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है जायर तरकीबी निसाब में मकासद निसाब बाकी जायर तरकीबी पर कैसे असर अंदाज होते हैं, मिसालें देकर वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज्जाई तरकीबी निसाब में शॉर्ट फॉर्म भी कर देती हूँ, आप उसको पूरा लिख दीजिएगा। इसकी हेडिंग नहीं है मकासदे निसाब और असरार। मार्कर से बेटा हेडिंग नहीं आप लोगों ने डिजाइन कर की थी निसाब में बाकी एग्जाम पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं।
साथ की बुनियाद। हेडिंग हिसाब की बुनियाद ही मकासिद है। तालीमी मकासिद नाम हो तो तमाम तालीमी अवाबिल मसलन असातिज़ा तलबा इमारत मदरसा फर्नीचर और दीगर अमला तालीमी साजो सामान बेमकसद और बेकार होगा। नंबर टू माशरे के मकासिद माशा के कुछ मकासिद होते हैं। जिनको वो तालीम के जरिए हासिल करता है के जरिए ही दी जाती है। माशरे का फलसफा फलसफा हयात रसूमात रिवायात इखलाकी इकदार होती हैं। ये तमाम चीजें निसाब में मकासिद के जरिए रखी जाती है। अब इसके तीन पॉइंट बेटा और हैं, वो मैं आपको कल करवा दूंगी। आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट है और इसको उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।